हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम नया क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे यानी होम बटन के बारे में। तो आपके कीबोर्ड में एक होम नाम का बटन होता है जिसका क्या यूज होता है, अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बात पता लग जाएगी कि इस होम बटन का क्या यूज होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये कर्सर हमारा यहाँ पर है और अगर मैं कीबोर्ड से केवल होम बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है, यानी कि ये जो गैलरी लिखी हुई है इस गैलरी के स्टार्टिंग में चला जाता है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, देखिए ये एकदम लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है और जैसे ही मैं होम बटन प्रेस करता हूँ तो ये एकदम स्टार्टिंग में आ गया, इट मीन्स कि ये लाइन के स्टार्टिंग में चला जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहां से एंड बटन प्रेस करता हूं, एक एंड का भी बटन होता है, तो जैसे ही मैं एंड बटन प्रेस करूंगा तो भी ये लाइन के स्टार्टिंग में लास्ट में आ जाएगा, सॉरी स्टार्टिंग में नहीं लास्ट में आ जाएगा, होम बटन प्रेस करने से लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। और यही काम मैं अगर ऊपर करता हूँ, लाइक यहां पर है, ठीक है, यहां से एंड बटन प्रेस करता हूं तो ये आप देखेंगे कि ये भी लाइन के लास्ट में चला गया है एंड बटन प्रेस करने से, और अगर होम बटन प्रेस करता हूं दोबारा से तो फिर लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा कर्सर, ठीक है। तो ये तो रहा होम बटन का यूज, लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए यूज होता है। अब मान लीजिए कि आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप होम बटन प्रेस करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे एकदम स्टार्टिंग में, यानी कि पेज के स्टार्टिंग में, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, पैराग्राफ नहीं बल्कि पेज के स्टार्टिंग में जहां से आपने लिखना शुरू किया है वहां पर आप पहुंच जाते हैं अगर आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं। और यही हाल कंट्रोल के साथ एंड बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो एकदम पेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं कर्सर हमारा आ चुका है। तो ये होम बटन, एंड बटन और कंट्रोल के साथ होम बटन और कंट्रोल के साथ एंड बटन का यूज था। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।